बाबता जी को बताओ असलम आया। बताती हूँ असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तफ्तीश के लिए बुलाया है, सुबह आ जाना, इकट्ठे चलेंगे। वैसे जो भी होगा ना अच्छा नहीं हुआ। प्यार अंधा होता है पर गूंगा नहीं होता। तो कभी कभार गूंगा भी होता है। चलता हूँ मैं, सुबह आता हूँ। आपने पोस्टमार्टम वालों से चेक किया, उनके पास सोडियम साइनाइड से किसी और मौत का रिकॉर्ड है? मैडम वो कल देंगे डाटा चेक करके, आज उनका सिस्टम नहीं चल रहा ना, उन्होंने इंटरनेट का बिल नहीं दिया था। मैडम हमसे फिर भी बड़े बेहतर हालात हैं उनके, हमारी तो 4 दिन बिजली नहीं आई, काट गए थे वापडा वाले। तो टाइम से बिल पे किया करें ना। मैडम मैंने अपनी जेब से थोड़ी देना है, हुकूमत ने देना है। मैडम ये फाइल है USB। अच्छा मैडम वो एक बात करनी थी। सुन रही हूँ। मैडम वो छुट्टी चाहिए थी मुझे, मेरी साली की शादी है मैडम, अकलौती साली है। शादी कब है? मैडम ये अगले महीने। और छुट्टी आपको अभी चाहिए? मैडम वो चूनिया जाना है असल में, मैंने बीवी बच्चों को छोड़ने, सारी तैयारी मेरी बीवी ने ही करनी है ना। बड़ी मेहरबानी होगी मैडम। जब तक ये केस हल नहीं हो जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। तो मैडम जी मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी? आपको सुनाई नहीं देता? बेहतर है मैडम। महबूब साहब। जी मैडम। जरिश की बहन ने बाबरा नाम के ब्यूटिशियन के बारे में बताया था, बात हुई आपकी उससे? जी मैडम मैंने उसे कल बुलवाया है, आपने मिलना है। कितने बजे? अब सुबह 10 बजे। 10 बजे मेरी IG साहब के साथ मीटिंग है, मैं कोशिश करूंगी मेरी बात हो जाए, मुलाकात हो जाए उससे। लेकिन आप बातचीत कीजिए फिर मुझे बताइए। जो जो हुकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वेट ट्रेनिंग करेंगे आज? आज बहुत थक गई हूँ। जी उसका तो अंदाज़ा है मुझे। वो मैम वो आपके सूट केस में लाश वाले केस का क्या बना, कातिल पकड़ा गया? आपको किसने बताया कि मैं उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ? आपके ड्राइवर ने बताया मुझे। किस किस को बताते फिर हो कि मैं किस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ? नहीं मैडम मैं तो किसी को नहीं बता रहा। झूठ मत बोलो, तुमने मेरे ट्रेनर को बताया? ट्रेनर नहीं मैडम, वो तो जिम के गार्ड को बताया था। तुम्हें सस्पेंशन चाहिए या जॉब से छुट्टी? सॉरी मैडम सॉरी, वो बस सब बात कर रहे थे तो मैंने कह दिया। पुलिस के लोग हो तुम लोग, केस की उतनी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं जितनी इन्फॉर्मेशन पास करते फिर रहे हो। सारी दुनिया को जाके बता दो कि केस कहाँ तक पहुँचा है। स्टूपिड, गाड़ी चलाओ। नाना जान कॉफ़ी चलेगी?
बिल्कुल चलेगी, लेकिन अगर अच्छी हुई तो चेक करके बताएं। कैसी लगी? बेहतर है। आओ, बेहतरीन नहीं है। देखो, कॉफी के मामले में मेरे कुछ मेयार हैं और बहुत कम लोग उस मेयार पे पूरा उतरते हैं। ओके, विल ट्राई टू मैच अप। राइट, नॉट बैड। अच्छा, मैं सुबह एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस पढ़ रहा था। सुबह आप केस पढ़ रहे थे और अभी अमर बेल। इंटरेस्टिंग। वेल, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। इट इज। 80s में अमेरिका में एक मर्डर हुआ था। अच्छा। एक ब्लाइंड मर्डर। एक 28 साल की लड़की थी, उसका कत्ल हुआ और उसके बॉयफ्रेंड पे इल्ज़ाम लगा कि उसने उसे मारा है। पुलिस कशाकुशी पे था, सारे सबूत मौजूद थे, लेकिन ही वॉज इंसिस्टिंग कि मैं बेकसूर हूँ। बहरहाल पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की की लाश नहीं मिली। इसके बावजूद उसके बॉयफ्रेंड की कन्विक्शन हो गई लाश के बगैर। दैट्स द फनी पार्ट ऑफ इट। 7 साल बाद ये पता चला कि वो लड़की मरी नहीं थी। ओ माय गॉड, नहीं। वो जिंदा थी और किसी दूसरी स्टेट में रह रही थी। ओ माय गॉड। इसलिए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, लिहाजा उसने फ्रेम किया उसे। ब्रूटल। ओ, 7 साल तो उसकी जिंदगी के गए। उसके बाद फिर वो बाहर भी आया तो बेचारा किस काबिल रहा होगा। औरत का इंतकाम बड़ा खतरनाक होता है। ये तो है। तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? मेरा केस तो बस चल ही रहा है। वो जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है, उसका बॉयफ्रेंड कम फियांसे हमने पकड़ा है। कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला। वो भी नहीं मान रहा। वो तो कह रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, पर वी आर ट्राइंग। देखते हैं अभी क्या बनता है। हो सकता है कि उसने ना किया हो। दैट्स अ क्वेश्चन। अभी इसी केस का डेटा चेक करना है मुझे। आज फिर रात लग जाएगी पूरी। तुम ठीक से सो तो रही हो ना? थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। सारा। यस सर। वो सूट केस में लाश वाले केस की क्या अपडेट है? सर इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको गुड न्यूज़ देती हूँ। एक बंदे को मैंने पकड़ा है, सारे सबूत उसके खिलाफ आ रहे हैं। एक्सीलेंट, ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। तो फाइनल रिपोर्ट कब तक दे रही हैं आपको? एक्चुअली 2-3 बार चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे रिमाइंड करवाया है। सर कल तक इंशाल्लाह। एक्सीलेंट, ग्रेट। थैंक यू सर। ओके जेंटलमैन। लगता तो यही है दफ्तर, पता करता हूँ। वैसा NRC का दफ्तर यही? जी जी। हाँ जी, यही दफ्तर है। मैं चलूँ साथ आपको? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो फोन करके बुला लूँ। आए मौसम रंगीले सुहाने के दिया नहीं जाए। मैं मौसम रंगीले अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब जी मैम। DSP महबूब कहाँ मिलेंगे? जी मैम, उनका कमरा यही है। आप बैठे, मैं उनको बता कर आता हूँ।
मैडम आप चली जाए अंदर। ऐसे ही सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे मैडम। सरफराज, सरफराज जी सर, आप अभी जाओ है, इस पर हम बात करते हैं। चलो शाबाश, आई कॉल यू। जी मैडम, कैसे आना हुआ आपका? डीएसपी साहब आपने बुलाया था मुझे। मेरा नाम बाबरा है। सरनिश के कत्ल की तफ्तीश करनी थी आपको शायद। ओह अच्छा अच्छा, आप वो वाली बाबरा हैं? जी। आपसे तो बड़ी बातें करनी थी मैडम। वो मैडम आजकल तफ्तीश कर रही हैं, तो उन्होंने बुलाया आपको। सरनिश की बहन ने आपका नंबर दिया था, सुना है आपकी जरिए से बड़ी दोस्ती थी। प्यार था। सर कोई चाय बिस्किट वगैरह? सरफराज भट्ट, आगे चाय बिस्किट का पूछने आप आते हो? नहीं सर, मैं तो ये फाइल लेने आया था, सोचा। फाइल उठाओ बेटा, बुला लूंगा मैं, चलो। सर वेरी नॉनसेंस, अफसर बन गए हैं लेकिन सीनियर अफसर के कमरे में किस तरह आते हैं, कोई तमीज नहीं है, कोई डेकोरम नहीं, कोई। अच्छा तो आप बता रही थी कि आपको जरिश से बड़ा प्यार था। ओ ना जी ना, ना मैडम ना रोएं। मैडम आई हेट टीयर्स। मैडम ना रोएं, आप भी पानी पिए, आप टिश्यू इस्तेमाल करें मैडम। मैडम पानी साफ है। जी मैडम। सरिश मेरी दोस्त थी, छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी उसको मैं। काश मुझे पता चल जाए कि था कौन, मैं हाथों से उस कातिल का गला दबा दूंगी। आपकी तकलीफ सही है मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी मकतूला से? कत्ल वाले दिन तो नहीं हुई, क्योंकि कत्ल वाले दिन तो ये ईमान और बतूल, बस इन दो लड़कियों से बात हुई थी। काफी दिनों का, शायद एक हफ्ता। हाँ एक हफ्ता हो गया। वैसे पार्लर आती जाती थी वो। अच्छा मैडम, वो मैंने भी सुना है कि आपका ब्यूटी पार्लर है। जी मैं मेकअप आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट? मैडम सादा से बंदे हैं, मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है जी?
जैसे फिल्मों में, ड्रामों में या फैशन शोज में जो लड़कियां काम करती हैं, उनके मेकअप मेकअप आर्टिस्ट करता है। ओए 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 मैडम, फिर आपने तो बड़ी एक्ट्रेसों के मेकअप किए होंगे। अच्छा एक बात तो बताएं मैडम, ये जो एक्ट्रेसें होती हैं, ये वाकई खूबसूरत होती हैं या फिर कैमरे की सफाई और मेकअप आर्टिस्ट के हाथों का कमाल? मेकअप का कमाल होता है, पर नाम उसमें क्या रखा है। हाय 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 मैडम, क्या जुमला कहा है आपने, दिल पे इधर टच हुआ है। सर मसला हो गया एक। ये जो खातून अभी बाहर गई ने बुलाई। जी मैडम। अंदर सब ठीक है? सब ठीक। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, वो आपको मैडम बुला रही है। कौन मैडम? मैडम हस्पिजा। चलो वो मुझसे पूछे बगैर तुमने मिलवाया किस तरह और भिजवा कैसे दिया उसे? सर जी, उसका वकील जमानत लेकर आया था, ऐसे कैसे मना कर सकते थे? अब मैडम पूछेगी ना तो उसको भी यही जवाब देना कि वकील जमानत लेके आया था, चला गया। नासर को कॉल लगाओ। सर फोन नहीं कर सकते हम उसको, वो जमानत पे है, उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। महबूब साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। चलो मैं आ रहा हूं। मैडम आ गई है, बुला रही है मुझे, फिर मैडम के पास जाना पड़ रहा है मुझे? हैं, लड़की का मर्डर करके बैठा और जमानत ले ली है, हैं? अब मैडम को बताऊं तो क्या बताऊं, शामत आ जाएगी मेरी। सर जी, वकील ने कुछ पैसे दिए थे, आपका और सर जी का हिस्सा रख लिया है। और बेशर्मो बेशर्मो, हर किसी से पैसे ना पकड़ लिया करो, हमेशा जलील कराया तुम लोगों ने। पैसे मैं ही रख लू फिर। What? नासिर की जमानत हो गई है और आप लोगों ने उसे जाने दिए? मैडम जमानत के बाद किस तरह रोक सकता था? मुझसे पूछ के छोड़ते या मुझे बताते? मैडम ये जो मेरी टीम है ना, यही बहुत नकारा है। मुझे नासिर चाहिए हर कीमत पर। मैं डीआईजी साहब को बता रही हूँ, अच्छा भला केस आप लोगों ने खराब कर दिया। मैडम उसको फोन मिला रहे हैं पर उसको कॉल नहीं लग रही। डीएसपी साहब, आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे नासिर अगले 24 घंटे में किसी भी कीमत पर चाहिए, समझ आई आपको? चाहे कहीं से पैदा करके लाए। ठीक है मैडम। जाइए यहां से और सारे स्टाफ को अंदर भेजिए, मेरी इजाजत के बगैर किसी वकील के कहने पे उसको जाने क्यों दिया? प्लीज जाइए।
माधव जी आप दोबारा क्यों आ गई हैं? सर रेड्डी साहिबा ने बुलाया था इन्हें, बाहर जाते हुए देखा तो फिर कहा मिलना है इनसे। आप तो चीफ रखें, इधर आओ, सबको बुला के लाओ, मैडम ने मीटिंग करनी है, फौरन मीटिंग रूम पहुंचे। सोचा था एनआरसी आऊंगा तो सुकून में रहूंगा, अलग ही खींच के चाहिए, यकीन करें मुसीबत गले पड़ गई है, वखरा ही जेम्स बॉन्ड बना के रख दिया है। ये हुआ कैसे कि मुझसे पूछे बगैर एक वकील के आने पर अंडर इंटरोगेशन मुलजिम को उसके साथ भेज दिया गया? जमानत करवा कर आया था तो 100 तरीके थे हमारे पास मुलजिम को रोकने के, मुझे खबर तक नहीं हुई। मेरा अपना स्टाफ इतना अनप्रोफेशनल और निकम्मा है, या आप लोगों को भी लगता है कि यह इदारा सिर्फ वक्त गुजारी और पैसे कमाने के लिए? नहीं मैडम, पैसे किसी ने नहीं लिए। ये मैं आपको बताऊंगी कि जिसने खाए हैं वो कौन है और जिसने नहीं खाए वो कौन है। अभी मेरा सवाल ये है कि हमने जमानत को कोर्ट में चैलेंज करने के बजाय मुलजिम को क्यों जाने दिया, क्यों उसको जिस्मानी रिमांड में नहीं लिया? अब आप करें मुलजिम को कॉल, कोई फोन नहीं मिलेगा उसका, जिस जगह पे आप उसको ढूंढना चाह रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा वहां। और हो सकता है आप ही में से कुछ लोग चैनल्स पे और खबरों में जाके ये खबर छपवा दें कि पुलिस ने तो छोड़ दिया मुजरिम को। मैडम पुलिस ने नहीं जाने दिया, अदालत ने जाने दिया, वो ना देते बेल उसे। हाँ, क्योंकि पुलिस ने कोई एक्शन जो नहीं लिया, जमानत को कोर्ट में चैलेंज किया होता, उसको जिस्मानी रिमांड में लिया होता तो अदालत कैसे देती बेल? अदालत तो देगी बेल। मैडम आप टेंशन ना लें, अगले 24 घंटे के अंदर हम नासिर को पकड़ के आपके सामने पेश। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, 25 या 26 हैं। जाइए आप सब। ओए हाँ हाँ, मुझे बंदे चाहिए और छापे मरवाने हैं, और मुझे नहीं पता, जा मर्जी से बंदोबस्त करो बंदों का। मसला हो गया है, बहुत बड़ा मसला हो गया, क्यामत आ गई है। ठीक है, आधे घंटे बाद मैं करता हूँ कॉल। सर वो मैडम आपसे मिलना चाह रही है। मैडम 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 सुबह मैडम, रात को मैडम, दोपहर में मैडम, हर वक्त मैडम मैडम, मैं तो मैडम ज़्यादा हो गया हूँ। अब किस लिए मिलना चाह रही है मैडम? अब क्या चाहिए मैडम को? क्या कौन सी फाइल? क्या? नहीं नहीं सर, वो दूसरी मैडम है जो बाहर बैठी है। ओ मैडम, जाओ लेके आओ उन्हें, बड़े प्यार से बड़े तमीज से, जल्दी जाओ। महबूब साहब 4-5 घंटे हो गए, अगर मैडम बिजी हैं तो बता दें, मैं फिर आ जाऊंगी। मैडम इस टाइम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अगर आपको कहा है उन्होंने इंतजार करने को तो आप इंतजार करें, जैसे ही वक्त होगा वो आपसे मिल लेंगी मैडम। अगर आप मुझे अपनी सिचुएशन बता दें तो शायद मैं कोई मशवरा दे दूं। आप क्या मशवरा देंगी मैडम? वो सरेश का बॉयफ्रेंड ही नासिर, उसने मैडम जमानत कराई है, उसके बाद वो खुद भी गायब है, ना उसके वकील को उसका कुछ पता है, ना वो घर पे है, ना उसका फोन ऑन है। उसके फार्म हाउस पे चेक किए? उसके फार्म हाउस का आपको कैसे पता? महबूब साहब, सरिश मेरी बहनों की तरह थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, सब कुछ बताती थी मुझे। कई बार नासिर उसे अपने फार्म हाउस पे लेके गया था,
उसने मुझे एड्रेस भी दिया था, एक बार मैं चेक करती हूँ। ढूंढे 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 मैडम। महबूब साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती, इसलिए आपको नासिर के बारे में बता रही हूँ। आखिर तो नासिर ने ये कातिल किया है ना, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैडम, दिल की तो आप भी बहुत अच्छी हैं, पर एक बार उस उल्लू के पट्टे को मेरे हाथ आने दें, फिर देखिएगा मैं उसका हशर क्या करता हूँ। मेरा ख्याल है मिल गया, लिखिए। लिखवाइए मैडम। जी मैडम। बतूल को बुलाया आपने? मैडम, मैंने कॉल की है दो दफा, वो रिसीव नहीं कर रही। उसके घर के पते पे किसी को भेजिए और बुलाइए उसे। फोन की आखिरी लोकेशन कहाँ की है? वो मैं अभी भेजता हूँ आपको मैडम, अभी भेजता हूँ। जल्दी भेजिए। जी बाबा, बताइए, फारिग हो गई आप? नहीं, मुझे वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे दिन खराब। तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता ना आपको इधर। मैं इंतजार करूँ, आप आ जाए, मैं बाहर बैठा हूँ। चलो देख लो। नीलो, बाबा जी कहाँ हैं? सुबह से नजर ही नहीं आ रही। तुझे पता है क्या? अगर वादा करके ये बात किसी को तो बोलेगी नहीं। क्या है? बाबरा जी पुलिस स्टेशन गए हैं। क्या पुलिस? आज तो भूल। लेकिन किस लिए? शाह जी, उस दर्निश का कत्ल नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसी की पूछगिछ के लिए गई है। खुद सुना है मैंने अपने कानों से। क्या होगा अगर ये बात तो किसी को बोलेगी नहीं। नहीं बोलती। इधर देख के बोल। नहीं बोलती। मगर सब कुछ तो है। वो याद आया, मैंने एक खातून को बिठाया हुआ था मिलने के लिए, वो आपसे मिलने आई थी। मैडम वो बाबरा, मैडम वो मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन, जरिश की बहन ने उसका नंबर दिया था। ओ, आई सी। हाँ, बुलाएं उसे, मुझे मिलना है, मैं तो भूल ही गई। मैडम मैंने तो उसे भेज दिया है। मैडम वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, बाकी मैंने उससे मुलाकात कर ली है मैडम, और इंटरव्यू भी ले लिया। फिर? मैडम वो बहुत शरीफ औरत है, उसका कोई लेन देन नहीं है इस मामले में मैडम, बल्कि उसने तो कहा है पुलिस को अगर मदद की ज़रूरत हुई तो पूरा तआवुन करेगी। वो पुलिस को तावुन करेगी? हमने उसे तावुन के लिए नहीं, तफ्तीश के लिए बुलाया था। मैडम मुझे तो वो सही लगी है, वो बेचारी तो जरीश की मौत का सुनकर इतना रोई है, इतना रोई है मैडम। पर आप कहती हैं तो मैं कल बुला देता हूँ, पर कोई हेल्प नहीं होगी मैडम। वो एक रिक्शे से उतरी थी और उसने हाई हील्स पहनी हुई थी। मैडम अब जो औरत हाई हीलें पहनेगी वो मशकूक तो नहीं ना होगी? रिक्शे वाले का पता चला? नहीं मैडम, मेरे बंदे उसके पीछे हैं, चंद दिनों में पता कर लेंगे। बाबरा से बातचीत की आपने, ऑडियो तो रिकॉर्ड की होगी ना? मैडम वो जरूरत ही नहीं पड़ी। महबूब साहब, काश आपको चीजों की जरूरत पड़नी शुरू हो जाए तो कितना अच्छा हो। सॉरी मैडम। बेसिम तौर बेनिशान तारिकियां बेकरार, शहर में नफरत भरी है फिजा,
जुगनू है रूठे हुए, सहमी हुई तितलियां, रखना कदम फूक के, दल दल बिछी है यहां, लफ्जों से खाली एक कहानी। आ जाओ। कौन है? लम्हों की रवानी है, लफ्जों से खाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमना तुफैल, आप बाबरा जी है ना? तस्वीर में जितनी प्यारी लगती है असल में उससे भी ज्यादा प्यारी हूँ। आओ बैठो। थैंक्स। दर्द की राह गुजर, सर्द सी, ओ माय गॉड, ये सब इन सबको आपने तैयार किया बाबरा जी? तैयार नहीं किया, स्टार बनाया है। बाबरा जी मुझे भी ऐसे स्टार बना दे प्लीज, मैं भी चाहती हूँ मेरी तस्वीर इस ना दीवार पे हो, प्लीज प्लीज बाबरा जी। तुम बनोगी स्टार, लेकिन आमना बन के नहीं, सरिश बन के। जिंदगी का शहर। मैंने तुम्हें क्या बनाना चाहा था और तुम क्या बन गए? बच के चलना। एक लाश सूटकेस पे पड़ी, एक लाश है राख फैली हुई, किसका जला घर यहाँ। नाना जाना आपकी आदत नहीं गई सरप्राइज देने की। इट्स बीन आफ्टर 2 years। वैसे मैंने कुछ नहीं किया, सब शाहजैन ने किया है। आई डोंट बिलीव इट। नो मैटर व्हाट आई डू इट्स नॉट गुड इनफ फॉर यू सारा। सो एक्सक्यूज मी सर, बट कीप ट्राइंग। Okay, ji. Thank you so much. Thank you for having me. Do come again. It's my pleasure. तो फिर हमारी वीकेंड को मुलाकात हो रही है। देखते हैं। कम से कम आपने ये तो नहीं कहा कि सोचते हैं। Good night. Good night. Good night, ji. Hey, you're leaving. Thank you so much. Thank you. Good night. Bye. Shahzain अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा लड़का है। तो फिर क्या सोचा? सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है नाना जान, जैसा कि काम। लफ्जों से खाली एक कहानी है, कह जाए लम्हों की रवानी है, लफ्जों से खाली एक कहानी है, कह जाए। बेटा ये छोड़ दो, लम्हों की, चलो आपको फिल्म देखते हैं।
मामा कौन सा खोलूं? सारा सुबह खोल लेना। नहीं मुझे अभी खोलना है अभी। क्या हो गया भाई? आज मेरी लाडली का बर्थडे है, जैसे चाहेगी वैसे ही होगा। कौन सा खोले? चलो आपके साथ खोल। सिकंदर, सिकंदर बाहर बाहर कुछ लोग हैं। सारा बेटा मेरी बात सुन, चाहे कुछ भी हो जाए आपने यहां से बाहर नहीं आना, आवाज भी नहीं निकाला। सारा बेटा आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहना है।